मैं यति वार्य कुमार विजय आप सभी दर्शकों का दैनिक यति राशिफल चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको इस वीडियो में 13 अप्रैल 2020 सोमवार को सूर्यदेव रात 8:21 पर मीन राशि से निकलकर अपनी उच्च की मेष राशि में गोचर शुरू करेंगे और मेष राशि में सूर्य पूरा एक महीना यानी कि 14 मई 2020 शाम को 5:33 तक रहेंगे और इस गोचर के दौरान सूर्य का प्रचंड तेज अपनी सबसे तीव्र गति की ओर अग्रसर हो रहा होगा। गर्मी का प्रकोप इस गोचर के दौरान अपने चरम पर रहेगा और ऐसी ही स्थिति सूर्य के वृषभ राशि में गोचर करने के दौरान भी रहेगी। लेकिन अभी बात करते हैं 13 अप्रैल से 14 मई के बीच में सूर्य के अपने उच्च की मेष राशि में गोचर की, लेकिन इससे भी पहले हम सूर्य के विषय में जानकारी कर लेते हैं कि सूर्य जब अपनी स्वयं की राशि में आता है तो या फिर अपनी उच्च की राशि में आता है तो बहुत बलवान हो जाता है और धनु राशि में आने पर बलहीन हो जाता है। इसलिए सूर्य की नौ ग्रहों में क्या स्थिति है यह हम पहले देख लेते हैं। सूर्य नौ ग्रहों में राजा माना जाता है। सूर्य के चारों ओर ही सभी ग्रह नक्षत्र चक्कर लगाते हैं। सूर्य की इस पूरी दुनिया सूर्य ही इस पूरी दुनिया को रोशनी और जीवन देने वाला ग्रह माना जाता है। नौ राशियों में पांचवी राशि सूर्य की सिंह राशि है। सूर्य को ऊर्जा का और आत्मा का कारक ग्रह माना जाता है। सूर्य पिता का कारक ग्रह भी होता है और जब कुंडली में सूर्य अच्छा और बलवान हो तो जातक बहुत आत्मविश्वासी होता है और बहुत पराक्रमी भी होता है। सूर्य मेष राशि में उच्च का और तुला राशि में नीच का होता है। गोचर में जब राहु की साथ युति हो जाए या फिर किसी और पापी ग्रह के साथ में युति हो जाए तो सूर्य का थोड़ा बल कमजोर होता है। वैसे जब राहु के साथ में सूर्य होता है तो सूर्य ग्रहण लग जाता है, यानी कि सूर्य और राहु की युति हो तो सूर्य ग्रहण योग बन जाता है। वैसे देखे तो नौ ग्रहों में सूर्य के केवल तीन ग्रहों के साथ ही मित्रता मानी जाती है। इसमें चंद्रमा, मंगल और गुरु है और सूर्य के शत्रु ग्रहों में चार ग्रह है, शुक्र है, शनि है, राहु है, केतु है। इन चार ग्रहों के साथ में सूर्य की नहीं बनती। एकमात्र बुध ग्रह ऐसा है जिसके साथ में सूर्य समभाव रखता है। सूर्य लगभग हर महीने में अपनी राशि को बदलता है। नव ग्रह में केवल सूर्य ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसके राशि परिवर्तन को संक्रांति कहा जाता है। ज्योतिष में सूर्य के गोचर को लगभग दो भागों में बांटा जाता है, एक है उत्तरायण और दूसरा है दक्षिणायन। सूर्य जब मिथुन राशि में अपना गोचर समाप्त करता है तो दक्षिणायन हो जाता है और जब मकर राशि में प्रवेश करता है तो उत्तरायण हो जाता है। इसलिए ही देश में इस दिन को बहुत धूमधाम से मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। सूर्य के तेज का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि सूर्य की परिधि में या सूर्य के अति निकट जो भी ग्रह आते हैं वो अस्त हो जाते हैं। सूर्य की गिनती भले ही मंगल, शनि, राहु और केतु के साथ में पापी ग्रहों के रूप में मानी जाती है, लेकिन सूर्य का प्रभाव प्रत्येक जीव पर पड़ता है। सूर्य की युति बुध के साथ में प्राय प्राय साल में अधिक समय तक रहती है और जब सूर्य की युति बुध के साथ होती है तो एक बहुत ही शुभ बुद्धादित्य योग भी बन जाता है और ये योग कुंडली में अगर बलवान हो या बलशाली हो तो जातक को सौभाग्यशाली बना देता है। सूर्य अग्नि तत्व का ग्रह माना जाता है और जब सूर्य अपने उच्च की मेष राशि में 13 अप्रैल 2020 से गोचर करेंगे तो सृष्टि में एक नव जीवन का आभास होगा और इसका असर सभी 12 राशियों पर क्या पड़ेगा आज मैं आपको यह बताऊंगा। यह भी बताना जरूरी है कि अगर आपकी कुंडली में सूर्य नीच का है या राहु, शनि या केतु या मंगल के साथ में बैठा है या फिर कम अंश का होकर के कमजोर है तो आपको मेरे बताए गए फलादेश से थोड़ा बहुत कम फल मिल सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा अंतर नहीं होगा।
ओवरऑल देखेंगे तो सूर्य का इसी प्रकार का निर्धारित फल मिलने की संभावना ज्यादा है, लेकिन आप अपनी कुंडली किसी विद्वान ज्योतिषी से बताकर यह पता कर ले कि आपकी जन्म कुंडली में, लग्न कुंडली में सूर्य की स्थिति जन्म के समय में कैसी है। अभी इस समय में कोरोना वायरस जो है वह पूरे विश्व में बहुत भयंकर तांडव मचा रहा है, महामारी के रूप में इसको घोषित भी किया जा चुका है। और यह अभी इस समय में मंगल और शनि भी एक साथ है, गुरु भी साथ में बैठे हुए हैं। इस समय में सूर्य जो है अपनी उच्च राशि में गोचर करेंगे और उसके बाद में वृषभ राशि में जब ज्येष्ठ महीने में आएंगे और उसके बाद में जब आगे बढ़ेंगे मिथुन राशि में आएंगे, तो यह कोरोना का जो वायरस है वह उसका असर जो है भारत में और दुनिया में धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। हालांकि इसका जो असर है आने वाले 2 से 2.5 साल तक भी देखा जा सकेगा। इस साल जो 2020 का है इसमें इसका पूरा पूरा प्रभाव या आंशिक प्रभाव जरूर बना रहेगा। अब आगे देखेंगे कि सूर्य अपनी उच्च की मेष राशि में गोचर करने से सभी 12 राशियों पर इसका क्या असर होगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक छोटा सा अनुरोध करना चाहता हूं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सबसे पहले सब्सक्राइब करें और फिर घंटी के बटन को भी दबाएं, ताकि जैसे ही कोई मेरा नया वीडियो पोस्ट होता है तो आपको सूचना मिल जाए और आप उसको सबसे पहले देख सकें। मैंने मेरे चैनल पर सभी 12 राशि वालों के लिए पूरे जीवन का, उनका क्या भाग्योदय होगा, कब भाग्योदय होगा, उनको जीवन में क्या करने से सफलता मिलती है आदि पूरे हर राशि के बारे में अलग अलग जानकारियां पोस्ट की हुई है। आप मेरे चैनल पर यति ज्योतिष नाम का जो फोल्डर है उसमें जाकर अपनी राशि का, पूरे जीवन का और आपके 2020 साल का आदि वहां पर अपनी राशि का वीडियो देख सकते हैं और जान सकते हैं। वैसे जो आपकी पर्सनल राशि का मैंने वीडियो यति ज्योतिष फोल्डर में डाला है वह आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा, यह मेरा विश्वास है। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक जरूर करें। अब देखते हैं कि सूर्य अपनी उच्च की मेष राशि में गोचर करेंगे तो आपकी राशि पर, यानी कि आपके जो सभी 12 राशि वाले हैं उनको, उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा या क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों के लिए सूर्य जो है वह पंचम शिक्षा और संतान स्थान का स्वामी है और अब आपकी राशि में सूर्य देव उच्च का होकर के गोचर करेंगे तो यह राशि परिवर्तन आपके लिए बहुत शुभ और सकारात्मक फल देने वाला रहेगा। चाहे आपका कामकाज हो या व्यापार हो या अन्य किसी प्रकार से आप आय कमाते हो, सबके लिए यह अच्छा और शुभ फल देने वाला रहेगा। आप में एक नई ऊर्जा शक्ति का संचार होगा, आपका आत्मबल बढ़ेगा, आपका जो परिवार और मित्रों के साथ में जो भी कोई लेन देन है या कोई और काम है उसमें परिवार और मित्र सभी आपके साथी जो लोग हैं वह सहयोग भी करेंगे। हालांकि अभी लॉकडाउन के चलते इतना ज्यादा लाभ आपको न मिले इस सूर्य के गोचर का, लेकिन कुल मिलाकर अगर देखेंगे तो यह गोचर आपके लिए शानदार बीतेगा। बस आप एक बात का ध्यान रखना कि आपकी राशि में उच्च का जो सूर्य है वह आपके सप्तम जीवन साथी स्थान में नीच की दृष्टि से देख रहा है या देखेगा, तो अगर कहीं आपके जीवन साथी से मतभेद न हो जाए या कोई बात कड़े शादी का कारण न बन जाए, इस बात का आप विशेष रूप से ख्याल रखना और अगर ऐसी स्थितियां बनती है तो आप ऐसी स्थिति को टालने की कोशिश करना। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों के लिए सूर्य जो है वह चौथे सुख और माता स्थान का स्वामी है। अब सूर्य उच्च का होकर के आपके 12वें खर्च भाव में गोचर करेगा और आपकी राशि के लिए सूर्य का यह गोचर कुछ विपरीत फल देने वाला हो रहा है। इस गोचर के दौरान आपके खर्चे बढ़ेंगे, खास करके स्वास्थ्य के संबंध में दवाई है, इलाज आदि पर खर्च होने की ज्यादा संभावना है। आंख, कान, नाक, दांत, मुंह, गला से संबंधित कोई आपको परेशानी भी हो सकता है कि इस गोचर के दौरान इस महीने में उठानी पड़े। जितना हो सके इस गोचर के दौरान आप अपने खर्चों पर काबू रखें और पैसे को बचाएं, क्योंकि यह पैसा आपके आगे काम आएगा। एक बात और है कि 12वें स्थान में सूर्य के
कुछ का सूर्य होने से जो दृष्टि उसकी रहेगी आपके छठे रोग रण और शत्रु स्थान पर रहेगी वह नीच की दृष्टि होगी। तो आपको ध्यान रखना है कि इस समय में आपको भूलकर भी कहीं से किसी से कर्ज आदि नहीं लेना है। अगर आपने कहीं से मजबूरी वश या किसी जरूरत के कारण कर्ज ले लिया तो आगे उसको आपको चुकाने में परेशानी हो सकती है। इसके अलावा आपके कुछ गुप्त शत्रु भी आपको परेशानी में डालने का प्रयत्न कर सकते हैं। आप सावधान रहें, कम बोले और जो भी बोले नाप तोल कर बोले तो आपका यह जो गोचर है साधारण रूप से ठीक बीत जाएगा। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए सूर्य तीसरे पराक्रम और भाई बहन स्थान का स्वामी है और अब आपकी राशि से 11वें लाभ स्थान में मेष राशि में उच्च का होकर के गोचर करेंगे, तो यह गोचर आपके लिए शुभ लाभ और सफलता प्रदान करवाने वाला होगा। आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी, आपके कार्य में एक नई दिशा मिलेगी, आपके कार्यों की प्रशंसा भी होगी, आपको व्यापार में बिजनेस में लाभ होगा। बेरोजगार थोड़ा सा अगर प्रयास करेंगे तो आपको जो बेरोजगार है लगा थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो आपको रोजगार भी इस गोचर के दौरान मिल जाएगा। हालांकि अभी लॉकडाउन की स्थिति है इसलिए आपके प्रयास हो सकता है थोड़ा लेट हो जाए या विफल भी हो जाए। नए उद्योग या फिर व्यापार करने का आपको इस गोचर के दौरान अवसर मिलेगा। नए और उच्च अधिकारियों से मुलाकात होगी, निकटता भी बढ़ेगी और परिवार में खुशियां भी आपके बढ़ेगी। आय में आपके बढ़ोतरी होगी, अचानक लाभ मिलने की भी पूरी संभावना है। मित्रों और परिवार का आप पूरा सहयोग आपको मिलेगा। यश मान कीर्ति प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी, लेकिन ध्यान रखने की बात यह है कि आपके 11वें लाभ स्थान में उच्च के सूर्य की सप्तम जो नीच की दृष्टि है वह आपके पंचम संतान और शिक्षा स्थान में पड़ेगी, तो यह विद्यार्थियों के लिए कुछ असमंजस की स्थिति का निर्माण करेगी। संतान पक्ष में कुछ कमजोरी भी दिख रही है, ऐसा कुछ न करें जिससे आपकी संतान का आत्मविश्वास कम हो और वो निराश हो जाए, उनका आप हमेशा हौसला बढ़ाए। इसके अलावा आप इस गोचर के दौरान सूर्य के बल से आपको जो काम कर रहे हैं उसमें ख्याति अर्जित होगी, प्रतिष्ठा मिलेगी और यह गोचर कुल मिलाकर एक महीने का जो है आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ बीतने वाला है। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए सूर्य दूसरे धन और कुटुंब स्थान का स्वामी है और अब आपके 10वें कर्म स्थान में मेष राशि में उच्च का होकर के गोचर करेंगे। सूर्य का यह गोचर आपके लिए सुखदायक और प्रभाव बढ़ाने वाला रहेगा। आप जिस काम में भी हाथ डालेंगे उसमें आपको सफलता और सिद्धि प्राप्त होगी, साथ ही लाभ भी आपको आशा के अनुरूप मिल जाए ऐसा भी योग बनेगा। आपकी कर्म नीति अब बदलने की सोच रहे हैं तो आपको और अधिक अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं। नौकरी बदलना, व्यापार का विस्तार करना हो या कोई स्थान परिवर्तन, सब कुछ आप इस गोचर के दौरान करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इस समय में आपको प्रमोशन मिलने के भी योग बनेंगे। हालांकि अभी लॉकडाउन के चलते आर्थिक व्यवस्था और जीवन के सुखों में कुछ आपके कमी भी हो सकती है, लेकिन फिर भी आप में ऊर्जा और जोश तो बना ही रहेगा। 10वें कर्म स्थान में सूर्य उच्च का बैठकर आपके चौथे सुख स्थान में नीच की दृष्टि से देख रहा है। थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई घर का इलेक्ट्रिक सामान या और अन्य प्रकार का सामान है वह टूट फूट न जाए, सामान खराब न हो जाए, जैसे कि पंखा है, कूलर है, एसी है, कंप्यूटर है, मोबाइल है, ओवन है, होम थिएटर है आदि का ऐसा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। खास करके गैस की आपूर्ति समय पर मिलती रहे या इस प्रकार से कोई आपको समस्या न हो, इस बारे में आप इस पूरे गोचर के दौरान ध्यान रखें तो आपका जो यह सूर्य का मेष राशि में गोचर है वह सामान्य रूप से बहुत अच्छा बीतेगा। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि का स्वामी ही सूर्य है, यानी कि आपकी राशि का ही स्वामी सूर्य है और अब आपकी राशि का स्वामी सूर्य आपके नव जो नवम भाग्य भाव है वहां पर उच्च का होकर के गोचर करेंगे, तो आपके लिए यह जो गोचर है भाग्यशाली सिद्ध होगा और दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूँ तो सौभाग्यशाली भी सिद्ध होगा। अगर आपके कुछ काम पिछले कुछ दिनों से रुक गए थे या आप उस काम को करने में
सफल नहीं हो पाए थे, तो अब इस गोचर के दौरान फिर से शुरू करना, आपका जो काम है वह पूरा हो जाएगा और उस काम से आपको लाभ भी मिलेगा। आपका भाग्य अब प्रबल बन रहा है या बन गया है, सूर्य उच्च के होते ही आपका जो भाग्य है वह प्रबल बन गया है। आप इसका लाभ उठाएं और आपको हर तरफ से लाभ दिलवाने के लिए भी सूर्य का यह गोचर तैयार बैठा है। आपको इस गोचर के दौरान धन भी मिलेगा और आपका जो काम है अब आगे बढ़ेगा। आपको इस गोचर के दौरान वसीयत है या फिर पैतृक संपत्ति का लाभ भी मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं। सूर्य आत्मा का कारक ग्रह होता है और इस गोचर के दौरान आप धर्म कर्म में विशेष रुचि लेंगे, अध्यात्म की तरफ आपका झुकाव बढ़ेगा, पिता के प्रति श्रद्धा और सेवा का भाव आपके मन में जागृत होगा, आप उनकी सेवा करें। नवम भाव में सूर्य की जो दृष्टि है आपके तीसरे भाई बहन और पराक्रम स्थान में रहेगी, इसलिए परिवार में भाई बहनों से विवाद आदि न करना पड़े या ऐसी नौबत न आए, इस बारे में आप थोड़ा सावधान रहे, सतर्क रहे। अगर ऐसी कोई नौबत आती है तो आप उसको टालने का पूरा प्रयास करेंगे, तो यह गोचर आपके लिए बहुत ही शानदार, अच्छा और लाभदायक बीतने वाला है। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए सूर्य जो है वह 12वें खर्च स्थान का स्वामी है। अब आपकी राशि से 8वें मृत्यु स्थान में उच्च का होकर के गोचर करेंगे। यह गोचर आपके लिए ज्यादा शुभ फल नहीं देने वाला है। आपका स्वास्थ्य अचानक से बिगड़ सकता है या चिंता बढ़ा सकता है। आपको इस गोचर के दौरान अपनी सेहत का विशेष ख्याल रखना पड़ेगा या उसकी जरूरत रहेगी। अगर आप कुछ भी परेशानी महसूस करें तो जल्दी से डॉक्टर आदि से संपर्क करें और जो आपको दवाई और परहेज बताए उसका आप सख्ती से पालन करें। आपके लिए एक अच्छी बात यह लग रही है कि अगर इस समय में कोई पुराना रोग है तो आप उसका नए सिरे से, नए डॉक्टर से या नई दवाई बदल कर आप वापस शुरू करें, तो यह जो आपका पुराना रोग है आगे चलकर धीमे धीमे ठीक होना शुरू हो जाएगा। इस समय में अगर कोई ऑपरेशन आदि की नौबत है तो वह ऑपरेशन आदि भी आपका सफल होगा। दूसरे धन और कुटुंब स्थान को जो सूर्य है वह अपनी सप्तम दृष्टि से 8वें स्थान में उच्च का होकर के बैठे हैं, वह देखेंगे तो परिवार में आपके सुख शांति पर इसका प्रभाव पड़ने की पूरी संभावना है। आपको जमा धन, आपके पास में जो जमा धन है उसमें इस गोचर के दौरान कुछ कमी आ सकती है। आपका जो जमा धन है वह खर्चा हो सकता है। संपत्ति संबंधी विवाद भी इस समय में खड़े हो सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका पक्ष थोड़ा कमजोर है तो इस समय में संपत्ति संबंधी विवादों को थोड़ा सा टाल देना ठीक रहेगा। आप बहुत सावधान रहें और हर विपरीत स्थिति का डटकर मुकाबला करें। अंत में आपकी विजय जो है वह निश्चित है। आप अति आत्मविश्वास में कोई काम ना करें और आंख मूंद कर किसी भी व्यक्ति पर भरोसा ना करें इस गोचर के दौरान, वरना इस गोचर से आपको हानि भी उठानी पड़ सकती है। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए सूर्य 11वें लाभ स्थान का स्वामी है और अब आपके सप्तम जीवन साथी स्थान में सूर्य मेष राशि में उच्च का होकर के गोचर करेंगे। यह गोचर आपके लिए मिला जुला फल प्रदान करने वाला रहेगा। सप्तम जीवन साथी स्थान में सूर्य उच्च का रहेगा तो जीवन साथी के साथ में मतभेद जो है वह कुछ बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं मेरे को, और कुछ गलत न हो जाए इसलिए आपको हर वक्त सचेत रहना है। इस गोचर के दौरान आपका मन अपने जीवन साथी के प्रति संकालु हो सकता है। आपको बात बात में गुस्सा आ सकता है क्योंकि सूर्य तेजी का, गर्मी का, गुस्से का कारक है। अग्नि का तत्व कारक गुरु यह सूर्य है, इसलिए आपको बात बात में गुस्सा आ सकता है, लेकिन जैसा आप सोचते हैं वैसा कुछ नहीं निकलने वाला क्योंकि यह सब सूर्य के कारण आपका मति भ्रम हो सकता है। कुछ शंका अथवा गुस्सा करने से पहले हमेशा शांत मन से असलियत और वास्तु स्थिति को समझें और फिर कुछ बोलेंगे तो कुछ भी अनहोनी या टकराहट नहीं होगी। इसके अलावा जो उच्च का सूर्य आपके लगन स्थान को नीच की दृष्टि से देखेगा तो यह आपके लिए अच्छा नहीं रहने वाला है। आपका स्वास्थ्य, आपकी मेहनत, आपकी प्रतिष्ठा, आय और परिवार आदि के संबंधों पर इसका असर जो है वह अच्छा नहीं रहने वाला है। कुल मिलाकर अगर देखें तो सूर्य का सप्तम स्थान में बैठना
दाम्पत्य और परिवार के लिए ज्यादा शुभ फल देने वाला नहीं रहेगा। व्यापार में और धन आदि पर कुछ आपको हानि उठानी पड़ सकती है या व्यापार आदि में कुछ हो सकता है कि अचानक आपके तेजी आ जाए, कुछ आपको अचानक धन का लाभ मिल जाए इस गोचर के दौरान, क्योंकि सूर्य उचका होकर के आपके कुंडली में बैठा है तो सप्तम स्थान में बैठा है, इसका लाभ आपको मिलेगा। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए सूर्य दशम कर्म स्थान का स्वामी है और अब आपके लिए सूर्य आपके छठे रोग रण और शत्रु स्थान में उचका होकर के गोचर करेंगे, तो यह गोचर आपके लिए कुछ ठीक नहीं लग रहा है। इस गोचर के दौरान आपके शत्रु का नाश होगा। अगर आपके शत्रुओं ने कुछ भी हिमाकत की इस गोचर के दौरान तो आप उसको शायद ही बख्शेंगे। इस गोचर से आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और आपके पारिवारिक जो मित्र है या मित्रों के साथ में परिवार के लोगों के साथ में अगर रिश्ते कोई बिगड़े हुए हैं तो आप इसको थोड़ा सा सुधारने का प्रयास करेंगे तो वह सुधर सकते हैं। कुछ भूले बिछड़े मित्र अथवा रिश्तेदार या कोई साथी से इस महीने में आपका संपर्क बढ़ेगा या हो सकता है उसके साथ में कुछ पुरानी यादें भी ताज़ा करने का मौका मिलेगा। आपके छठे स्थान में बैठे उच्च के सूर्य की सप्तम दृष्टि आपके बारहवें खर्च स्थान पर नीच की रहेगी, इसलिए इस गोचर के दौरान कोई आपको बड़ा खर्चा या किसी प्रकार की हानि उठाना पड़े ऐसा योग बन रहा है। आप सावधान रहें, ज़्यादा खर्चा ना करें और दूसरी बात धन के लेन देन के संबंध में सावधानी रखें। आपका यह जो सूर्य का गोचर है साधारण रूप से ठीक बीत जाएगा। अब बात करते हैं धनुराशि की। धनुराशि वालों के लिए सूर्य नवम भाग्य स्थान का स्वामी है और अब आपके लिए सूर्य पंचम संतान और शिक्षा स्थान में गोचर करेगा। सूर्य का पंचम भाव में उचका होकर के गोचर करना आपके लिए शुभ समय आने का संकेत दे रहा है। यह गोचर आपके लिए लाभदायक रहेगा। आपको अपने जीवन में कोई बड़ी एक खुशखबरी इसी समय या सूर्य के इसी गोचर के दौरान मिलेगी, ऐसे योग बनेंगे। किसी परीक्षा या प्रतियोगिता में आप सफलता प्राप्त करेंगे। आप पर सूर्य का बहुत अच्छा प्रभाव रहने के कारण आपका जो आत्मविश्वास है वह बढ़ेगा। साधु संतों और गुरु भगवंतों का भी आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। पारिवारिक सुख का आनंद आप भरपूर उठाएंगे। प्रेम प्यार के रिश्ते भी आपके लिए अनुकूल फल देने वाले साबित होंगे। पंचम स्थान में उच्च के सूर्य की सप्तम दृष्टि आपके 11वें लाभ स्थान पर रहेगी, इसलिए आप इस समय में असावधान रहकर कोई काम न करें, क्योंकि ये समय व्यापारिक क्षेत्र में कुछ कमी या फिर हानि को भी दर्शाता है। अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए सूर्य अष्टम स्थान का स्वामी ग्रह है और अब आपके चौथे सुख और माता स्थान में उचका होकर के गोचर करने से आपकी स्थिति में पहले से थोड़ा अधिक अच्छा और सम्मानजनक बनाने वाला योग बनेगा। हालांकि यही चौथे स्थान का उचका सूर्य आपके दसवें कर्म स्थान पर अपनी नीच की दृष्टि डालेगा तो हो सकता है आपके कार्यों में कुछ रुकावट आए, कुछ अनबन बने और कुछ हानि हो। इस समय में आपका स्थान परिवर्तन करने का भी मौका हो सकता है या मिल सकता है आपको। आपको अपने सुखों पर केवल ध्यान देना है। कुछ अच्छा लग्जरी सामान आदि खरीदना हो या फिर वाहन आदि भी खरीदना हो तो इस समय अनुकूल समय है, आप खरीद सकते हैं। इस गोचर के दौरान आपको वाहन सुख मिले ऐसा योग भी बन रहा है। कर्म स्थान में कुछ दुख तकलीफ और चिंता हो सकती है, बाकी सब कुछ इस महीने में आपके लिए अच्छा रहेगा। परिवार का सुख मिलेगा। आपका प्रेम या लव लाइफ में और अधिक विश्वास और निकटता आने के योग हैं। नए वस्त्र कुछ उपहार का लाभ मिलेगा। आप केवल इस समय में जो सूर्य दे आपको उसको विनम्रता से स्वीकार करते जाओ तो यह गोचर आपके लिए बहुत अच्छा बीतने वाला है। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए सूर्य सप्तम स्थान का स्वामी है और अब आपके तीसरे भाई बहन और पराक्रम स्थान में उचका होकर के सूर्य गोचर करेंगे और यह गोचर आपके लिए अति शुभ फल देने वाला रहेगा। आपके जीवन में एकाएक कुछ अच्छा परिवर्तन आप महसूस करेंगे। आपके काम में भी अब आगे बढ़ोतरी होगी या
काम आपके आगे से आगे बढ़ते चले जाएंगे। परिवार में भाई बहन से संबंध आपके मधुर बनेंगे। आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। आप में एक नई ऊर्जा और जोश का संचार सूर्य के कारण आप महसूस करेंगे। आपको इस समय में अपने कारोबार के विस्तार और बाहरी रिश्तों को और मजबूत बनाने का मौका मिलेगा। हालांकि अभी लॉकडाउन है, फिर भी आपका दिमाग बहुत तेजी से चलेगा और कुछ नया करने के लिए आप उत्सुक भी रहेंगे। तीसरे पराक्रम स्थान में बैठे सूर्य का गोचर आपका पराक्रम तो बढ़ेगा ही, साथ में आपको पद और प्रतिष्ठा का लाभ भी मिलेगा। साथ ही आर्थिक स्थिति में इस समय में आपके मजबूती आने के प्रबल योग बनेंगे। अब बात करते हैं आखिर में मीन राशि की। मीन राशि वालों के लिए सूर्य छठे रोग रण और शत्रु स्थान का स्वामी है और अब आपके दूसरे धन और कुटुंब स्थान में उच्च का होकर के गोचर करेंगे, तो आपकी राशि के लिए यह गोचर बहुत ज्यादा शुभ फल देने वाला रहेगा। आवश्यक कार्यों में आपके प्रगति होगी। आर्थिक स्थिति में मजबूती आएगी। आय के नए रास्ते खुलेंगे। व्यापार में, व्यवसाय में और जॉब में अनुकूल माहौल मिलेगा। परिवार में प्राय सुख शांति रहेगी, लेकिन यहाँ यह ध्यान देने की जरूरत है कि दूसरे धन और कुटुंब स्थान में बैठे सूर्य की जो सप्तम दृष्टि नीच की रहेगी, वह आपके आठवें मृत्यु स्थान पर रहेगी। इसलिए स्वास्थ्य का पाया आपका थोड़ा इस गोचर के दौरान कमजोर हो सकता है। फालतू की बातें, फालतू की चिंता, कलेश या फिर संबंध विच्छेद आदि जैसे कुछ एक हादसे भी आपके जीवन ऐसा हो सकता है या ऐसे हादसों में से आपको इस गोचर के दौरान गुजरना पड़े, ऐसे योग बन रहे हैं। आपका जो मन है तनाव से या चिंता से घिरा रह सकता है। कुछ खर्च आदि अचानक भी करने पड़ सकते हैं। कुल मिलाकर अगर यह देखेंगे तो गोचर आपके लिए साधारण से थोड़ा अच्छा बीतने वाला है। वैसे सूर्य आपके दूसरे धन और कुटुंब स्थान में हमेशा शुभ फल ही दिया करता है। यह था आज के वीडियो में सूर्य का मीन राशि से निकलकर अपनी उच्च की मेष राशि में गोचर से सभी 12 राशियों पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में जानकारी। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है, पसंद आया है, उपयोगी लगा है और आपकी आपको जो मैंने यह सब बताया कुछ आपके लिए काम की चीज़ लगी है, तो आप मेरा यह वीडियो लाइक ज़रूर करें और इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके मित्र है, परिवार है, व्हाट्सएप के ग्रुप है, फेसबुक के आदि पर इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ताकि उच्च के सूर्य का किस राशि को क्या प्रभाव पड़ता है या मिलेगा, लाभ मिलेगा, वह सब लोग आपके जो साथी मित्र लोग हैं जान सकें। अगले वीडियो में मैं आपको किसी और ग्रह या कुछ और नई ज्योतिषीय जानकारी के साथ में जानकारी लेकर आऊँगा। तब तक जय जिनेन्द्र।